दे रहा और डर भी बहुत लग रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसमें बैठी हूँ लिफ्ट में। कोई एक लड़की सिफारिश कर रही है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियोज़ बनाते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और हम आपको इससे भी जो मुश्किल हालात होंगे हम उसमें भी आपको लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं असलम फुलरवान और मैं हूं इस वक्त बाकू। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं गुबाला। गुबाला का ये माहौल, गुबाला की ये खूबसूरत सड़कें, शहरा किसी जन्नत नज़ीर से कम नहीं है। आज़रबाईजान का वो इलाका है जहाँ पे खूबसूरती और स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जा रहे हैं बाकू टू गुबाला, लेकिन हम अपनी बस पे हैं। हमारा जो 65 लोगों का काफ़िला है वो हम पहुँच रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल APTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज हम गुबाला पहुँचे हैं, इससे पहले मैं आपको वो दिखा चुका हूँ जो सिटी टूर में आपको करवा चुका हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे, एक झील है वहाँ, झील पे थोड़ा टाइम हम रुकेंगे। उसके बाद हमारा जो है खाने का प्रोग्राम है, खाने का अरेंज हमारा एक दिल्ली रेस्टोरेंट है जो हलाल फूड वहाँ पे मिलता है, वहाँ पे हमारा इंशाल्लाह वाला अजीज खाना होगा। चलो असलम भाई, दुबई की चटनी, चीन की पत्ती और ईरानी चाय। असलम भाई, ये हमारा असलम भाई है हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कवरेज कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी कवरेज। कैसा लगा जी लेक पे आके, साहिल पे आके? आप लोग
स्पेशल गाड़ी मिली है। ड्राइवर जो है वो परेशान हो गया है, वो समझता है शायद मैं ड्राइवर नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेरे पास लाइसेंस नहीं है। पापा मारेगा नहीं मारेगा मारेगा नहीं मारेगा। जी व्यूअर्स, ये एक जी व्यूअर्स ये होटल है जिसका जिक्र किया था मैंने, दिल्ली एक दरबार होटल है, यहाँ पे हमने खाना खाया, होटल है और यहाँ हमने थोड़ी देर स्टे किया, उसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की जानिब कराची और दरबार। हम हलाल फूड यहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ से खाना खाने के बाद जब हमारा जो काफिला है यहाँ पे आके रुका है वो बेहद। अब हम यहाँ से करेंगे लंच, लंच करने के बाद हम जाएंगे आगे चलते हैं टाइम वाला में हम आ चुके हुए हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका हुआ है, हमने खाना खा लिया हुआ है। बड़ा मज़े का खाना था, दोपहर का खाना था, सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे इनका कल्चरल खाना हलाल फूड मिल गया। उसके बाद हम ये आप देख रहे हैं व्यूवर्स कितना खूबसूरत पहाड़ और खूबसूरत खामोश खूबसूरत रास्ता से होते हुए हम अपनी मंजिल मकसूद की जानिब गामजन है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इन्जॉय करें इस वीडियो को। और अब हम पहुँचे हैं जी गुबाला, हम पहुँच चुके हुए हैं, आगे मैं आपको वीडियोस में कुछ दिखाता हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा लगता है मुझे वीडियो को मैं वो कर देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। काफ़ी जगह पे मैंने इसको वो किया, अब सारा ये अमला उतरा है, जो हमारे 65 लोग थे ये उतर रहे हैं। वन बाई वन तारीफ करवाना ज़रा मुश्किल होता है, आगे हो सकेगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम लोग, सीढ़ियों को भी मैंने पास किया और बाकी चीज़ें आप म्यूज़िक पे देखें। खूबसूरत केबल कार में बैठेंगे एरिया और अब हम बैठने लगे हैं केबल कार में। अजी रवीना आप क्या, आप डर रही हैं केबल कार में बैठने से? कुछ भी नहीं होने वाला, हाँ लाइव कुछ भी नहीं होगा जी। गोल्ड की चेन। हेलो व्यूअर्स जी, डॉक्टर साहब कुछ कहें? अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम आपको बहुत सारे प्लेसेस दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह फ्री में बाकू घुमा रहे हैं आपको, पूरा अज़रबैजान घुमा रहे हैं। आज देखें पूरे पहाड़ दरख्त और रूफ्स बर्फ़ से ढके हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको घर बैठे असलम साहब इतना अच्छा व्यू दिखा रहे हैं। ये असलम साहब का आप थैंक्स बोलें सब लोग कि वो आपको अज़रबैजान घुमा रहे हैं जी। व्यूअर्स ये अब हम बढ़ रहे हैं केबल कार की तरफ, यहाँ पे हमने टिकट परचेज किया हमारे गाइड ने, हमारे गाइड ने जो है वो किया है। हम 6% आगे हुए हैं, ये हमें लेके जाएगा फर्दर ऊपर ऊपर फर्दर जो हैं 6% इसमें ये हम बैठ गए हुए हैं और बाकी जो 6% हैं हमारे नेक्स्ट जो केबल कार है उसमें आएंगे। तो ये और क्या खुला होता है ना, यस ये हैं जी, मज़ा आ रहा है भाई।
हैं सर, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल हम तो हमारे साथियों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल सब के चेहरों में चेहरे खुशियाँ बिल्कुल निकल, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। बाकू की केबल कार में फर्स्ट टाइम बैठे हैं हम, इससे पहले पाकिस्तान में कई दफ़ा बैठ चुके हैं, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। अभी आपने थोड़ी वीडियो देखी होगी, पूरा बर्फ़बारी से वाइट दरख्त, ज़मीन सब वाइट हुआ हुआ है, और ठंडक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अल्फ़ा टीवी, पहले तो मैं जनाब असलम फुलरवान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो इस ठंडे मौसम में हर जगह पे हमें अच्छी कवरेज दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारा आज चौथा दिन है मुख्तलिफ प्लेसेस का हमने विज़िट किया, हिस्टोरिकल प्लेसेस का भी विज़िट किया। आज का जो हमारा प्लान था हुआ ये कि हमने गबाला, अज़रबैजान की एक प्लेस है, स्टेट है, वहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ पे हर तरफ बर्फ़ की चादर, यानी पहाड़ों ने, दरख्तों ने और रूफ्स ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है कि हर तरफ हमें वाइटनेस वाइटनेस बर्फ़ के पहाड़ और बर्फ़ का ये नज़र आ रहा है। तो केबल कार में इस वक्त हम चले हैं और केबल कार का हम मज़ा ले रहे हैं। पहले कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं हम, और okay, hello everybody. Again, we are in Gabala, which is 220 kilometers away from Baku, the capital city. Now we're going to the top of the mountain to Fandakh, where the height is more than 1900. It is already snowing here. We have very good cable car system, which is easily letting you to go up to the top. And this is a skiing resort as well. The name of the place is Tufan Dagh Resort. Tufan means storm, Dagh means mountain. This is one of the skiing resort area in summer season area in Azerbaijan, Gabala. And the top of the mountain where we're going now is 1900 meters higher than the sea level. 1900? Yes. So it's going to be very cold there. So you will see. And in the late November it is raining on the mountainous areas, but soon in December all nearby areas will be covered with snow. So let's go up and enjoy. Okay. From here on the other side we have Russian Federation. All these mountains are part of Caucasus mountain range, which start from the eastern side of Black Sea, from Georgia, comes to Azerbaijan and ends up in the Caspian Sea. So this is one of the range of this Caucasus mountains. This southern side belongs to Azerbaijan, the northern side, the other side belongs to Russian Federation. नीचे मत देखो। So I hope you will enjoy the view from there. It's a very beautiful place. Yeah, unfortunately some part of the mountains now, because of the fog, the view is blurred, you cannot see well, but believe me, this place is beautiful both in summer and winter. In summer, all nearby area is covered with green. Okay. Yeah, and you can see further areas. But now it is winter and the clouds and the fog is causing some problem. But anyway, I hope that you will enjoy it. I'm very scared.
और कुछ कुछ, क्योंकि एक स्टेप ठीक था, सेकंड पे आना जरूरी नहीं था। घबराना नहीं चाहिए, घबराने वाली चीज़ें यहाँ पे नहीं है। सामने देखें, सामने मेरे इधर देखें, ये कैमरे में देख के बताएं कि क्या फीलिंग है आपकी। और मज़ा भी आ रहा है, कान बंद हो गए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा और डर भी बहुत लग रहा है। इंजॉय भी कर रहे हैं और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इसमें बैठी हूँ लिफ्ट में। आपको एक लड़की सिफारिश कर रही है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकॉन बटन को दबाना मत भूलिएगा। आप यकीन जानिए कि हम इस वक्त किस हालत में हैं, लेकिन आपके लिए वीडियोस करते आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और हम आपको इससे भी जो मुश्किल हालात होंगे हम उसमें भी आपको लेके जाएंगे। तो सो ये था हमारा आज का एक गोबाला से एक शॉर्ट सा विज़िट, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल हमारे जो कान हैं वो बंद हो चुके हुए हैं, कुछ नहीं दे रहा। और नहीं दे रहा यार, गो बैक डॉक्टर, आई एम फाइन, यस आई एम एंजॉयिंग। एंजॉय एंजॉय तो कर रहे हैं आप, लेकिन अंदर से आप भी डरे हुए हैं। आप मेरे दिल की धड़कन चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ अपना डर उतार रहे हैं व्यूअर्स, ये डॉक्टर हैं, ये हमें सली दे रहे हैं कि हम शायद डर के, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नहीं डरने वालों में से हैं। लेकिन वेरी ब्यूटीफुल 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 यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्हाट अ ब्यूटीफुल फैबुलस वी आर इन द स्काई। Yes. जी व्यूअर्स, हम बढ़ रहे हैं, ये कैन फ्लाई फ्लाई द माउंटेन एंड माय गॉड, ओपन द विंडो, वाओ, इट्स अ ब्रीज, फील इट। जी हमारे टूर गाइड ने विंडो ही खोल दी। यस, ये है जी बाकू, इसलिए लोग आते हैं बाकू। मैं सोच रहा था सिर्फ क्लबों में आते हैं। अच्छा। नहीं 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 नहीं, क्लबों को आवाज है यार, यहाँ के क्लब। 9 out of 11 climate zones in the whole world. ये दे व्यूअर्स, ये हमारा जो है हमारा स्टेशन आ गया हुआ है और यहाँ पे हमारा स्टाफ है यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे बिल्कुल कख नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि यहाँ मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी हमारा दरवाज़ा जो है वो ओपन हो रहा है, अभी हम बाहर निकल रहे हैं। ये हम बाहर निकले, ये हमारे फ्रेंड सारे बाहर आ गए हैं। जी व्यूअर्स, ये था अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से? शहजाद रात बात कर रहा हूँ। अब हमारा प्लान जो है वहाँ ऊपर जाने का, ज़रा दिखाएं आप लोग। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वहाँ जाकर प्लान है। और हम जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ असलम फुल्ला, हूँ इस वक्त गबाला। गबाला का ये वो हिस्सा है जहाँ पे आपको धुंध नज़र आ रही है, ये वो एरिया है जहाँ पे बर्फ़बारी होती है। यहाँ हम 9000 ऊंचाई जो है यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हुए हैं और केबल कार के थ्रू हम आए हैं। दो स्टॉप हमने लिए और यहाँ पहुँचते दो गाड़ियाँ हमें चेंज करनी पड़ी, यानी दो केबल कार हमने चेंज की। तो व्यूअर्स, मैं तो विज़िट कर रहा हूँ लेकिन आपको भी थोड़ा सा विज़िट करवा दूँ कि दिस इज़ प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं,
यहाँ रशिया का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल यहाँ से करीब है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपना अपना तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। और ये तस्बीहुल्लाह साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। और ये जी तस्बीहुल्लाह साहब इंजॉय कर रहे हैं, आप मज़ा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमारे और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी छक्का मार दिया हुआ है, ये सारे इस तरह इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम दोस्तों ने यहाँ बहुत खुशी से वक्त गुजारा और हमने बड़ा मज़ा लिया। अनायत साहब का, अनायत साहब का भी शुक्रिया क्योंकि उनका बुरा हाल हो गया था, इनके साथ हमने बहुत इंजॉय किया। और तमाम फ्रेंड्स ने, तमाम टूरिस्ट ने, तमाम हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बहुत इंजॉय किया।